हाय गाइस, तो आज हम करेंगे नैव बार बूटस्ट्रैप 4 में। तो यहाँ पे मैंने नैव बार b4.html बना लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, और मैंने इसको अपने ब्राउजर पे भी ओपन कर दिया है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग नैव बार बनाने के लिए एक डिव ओपन कर देंगे। हम लोग अभी एक नैव बार बना रहे हैं, और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा नैव के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्लास ओपन करते हैं, और क्लास में हम लोग बस कर देंगे नैव बार। ठीक है, नैव बार करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं नैव बार डैश एक्सपांड, और फिर डैश SM डैश BG। ओके, डैश नहीं डालना, BG हम लोग कर देते हैं उसका मतलब बैकग्राउंड, हम लोग उसका कर देते हैं लाइट। ठीक है, इसको सेव करते हैं, हम लोग रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, ओके ओके, हम लोग को और डालना होगा, मैंने बस इतना सा कर दिया है। अब हम लोग को नैव बार के अंदर का वो डालना होगा, मतलब कंटेंट डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग नैव बार के कंटेंट के लिए यूज़ करेंगे यूएल, और यूएल डालने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लास, और क्लास करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ नैव बार डैश नैव। ठीक है, नैव बार डैश नैव करेंगे तो ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग एलआई यूज़ करते हैं, एलआई का क्लास कर देंगे हम लोग। ओके, ये क्या कर दिया, हाँ तो हम लोग क्लास उसका कर देंगे, उसका क्लास हम लोग कर देंगे नैव डैश आइटम। हाँ ठीक है, नैव डैश आइटम करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए टैग, और ए टैग का भी href में हैश टैग करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास दे देंगे। तो क्लास इसका देते हैं हम लोग नैव आइटम। ओके, नैव आइटम ठीक है, दे दिया मैंने। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे, जैसे कि कर देते हैं link1, कॉपी करता हूँ मैं इसको, पेस्ट करता हूँ, ये link1, link2, link3। ठीक है, link3, इसको सेव करते हैं हम लोग, रीलोड करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा वाला एक नावबार आ गया है। और हाँ, तो ये हमारा नावबार आ गया, ये हमारा नावबार है, ये कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे मैंने ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं डालना हम लोग को, पहले तो हम लोग इसको निकालते हैं, कॉपी करते हैं और 3 बार पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस इसको 2 कर देंगे, इसको 3। ठीक है, तो ऐसे करना है, मैंने गलती से कुछ ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये आ जाता है। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओके यहाँ पे मैंने नैव आइटम कर दिया, तो नैव लिंक कर देते हैं, ताकि क्योंकि ये एक लिंक है, और फिर हमारा अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो हमारा नैवबार अच्छा वाला आ गया है, वो मैंने गलती से कोई मतलब मिस्टेक कर दी थी। और यहाँ पे देखो हमारा एक अच्छा वाला नैवबार आ गया है। ऐसे आप नैवबार बना सकते हो। अभी जैसे कि आपको एक वर्टिकल नैवबार चाहिए, हाँ किसी ने बोला आप एक वर्टिकल नैवबार बना के दिखा, तो आप वर्टिकल नैवबार के लिए क्या करोगे, वो जो आपने एक्सपांड और वो सब लिखा था ना, वो बस हटा दोगे, और इसको सेव करोगे, रीलोड करोगे। तो यहाँ पे देखो हमारा वर्टिकल नेवबार आ गया है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे नेवबार एक्सपांड डॉट डैश SM लिखा था, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और अगर आप वो निकाल देते हो, ओके अगर आप वो निकाल देते हो, इसको सेव करते हम लोग, सेव करते हैं, और वो वर्टिकल बन जाता है। तो आप वो डालो निकालो, जो करना है आपको करो। और यहाँ पे मैं तो डालता हूँ, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल नेवबार जी पसंद है। और यहाँ पे मैंने कुछ तो कर दिया है, मैंने कुछ तो गलती कर दी है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे नया आइटम था, मैंने पहले वाला कंट्रोल जेड करके कर दिया। यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, और फिर इसमें भी लिंक लिख देते हैं, इसमें भी हम लोग कर देंगे लिंक, इसको सेव करते हैं हम लोग, रीलोड करते। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा आ गया है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा करो। फिर अभी हम लोग को करना है सेंटर नेवबार। सेंटर नेवबार के लिए क्या करना होगा आपको, आप सोच सकते हो। तो मैंने बहुत सारी अपने बूटस्ट्रैप के वीडियोस में देख बनाया था कि सेंटर करने के लिए आपको यूज़ करना पता है जस्टिफाई कंटेंट, तो वही यूज़ करना हम लोग को, लेकिन आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो जस्टिफाई हम लोग कर देंगे जस्टिफाई डैश कॉन्टेंट डैश सेंटर, सेव करते हैं इसको।
रीलोड करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा सेंटर पे आ गया है अपना नेवर। और लेकिन अभी जैसे कि ये सेंटर है तो ये जो हमारा ये भी एंड हो गया, तो वैसे ही यूज़ करना है इसको, कर देंगे हम लोग एंड, सेव करते हैं इसको। रीलोड करते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा एंड हो जाता है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। फिर अभी जैसे कि आपको कोई कलर्ड नेवर बनाना है, पहले तो मैं इसको ये कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर्ड नेवर हो गया। तो कलर्ड नेवर आपको बनाना है तो क्या करना होगा, तो पहले तो ये बीजी मतलब एक लाइट कलर है, तो आपको बस यहाँ पे लाइट कलर जैसे कि प्राइमरी कर देते हैं, सेव करते हैं इसको, रीलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी आ गया, यहाँ पे ये तीनों छुप गए हैं क्योंकि इनका कलर प्राइमरी ही था, तो इसको हम लोग बस कर देते हैं सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस करूँगा, यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया है। तो आप कोई भी कलर चाहिए तो मैं यूज़ कर सकते हो, मैं तो डार्क यूज़ करता हूँ क्योंकि डार्क कलर मेरे को नेवबार में बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा कलर लगता है नेवबार में, ठीक है। तो इतना हम लोग कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो इतना हम लोग ने कर दिया। अभी हम लोग करेंगे कि एक अपना ब्रांड मतलब लोगो, ब्रांड या लोगो वो कैसे अपने नेवबार में डाले। हाँ हम लोग नेवबार में ब्रांड या लोगो भी डाल सकते हैं और वो सबसे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो नेवबार में डालने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए टैग, और पहले तो हम लोग इसको हैशटैग कर देते हैं, और इसका क्लास हम लोग कर देंगे नेवबार डैश ब्रांड, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांड है, इसलिए हम लोग को डैश ब्रांड लिखना होता है। और जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे जैसे कि लोगो कर देता हूँ इसको, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए वो कर दो। यहाँ पे देखो ये हमारा जैसे कि अपना ब्रांड का नाम आ गया है। अभी आपको जैसे कि ये वाला ब्रांड का नाम आपने डाल दिया, इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना भी दूंगा इसको एनिमेट कैसे करें, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग ने ब्रांड डाल दिया, लेकिन आपका कोई ब्रांड है जो इमेज के साथ है, मतलब इमेज के साथ अच्छा लगता है, तो उसे कैसे करें। तो उसे करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए टैग में है ना ये लोगो हटा देते हैं, हाँ। और लोगो हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस है ना हम लोग कर देंगे इमेज, हाँ। तो इमेज सोर्स करने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे जो हमारा इमेज है, जैसे कि मेरा इमेज है मेरे पास एक pineapple.jpg, हाँ pineapple.jpg यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग pineapple.jpg करेंगे, और इसके हम लोग को विड्थ सेट करनी होगी 40 पिक्सल, वरना वो थोड़ा अलग मतलब हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है अपना इमेज, और इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो आपका इमेज यहाँ पे ऐसे आ सकता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इतना हम लोग नेवबार में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोलैप्सिबल नेवबार बनाएंगे। अभी कोलैप्सिबल नेवबार क्यों चाहिए, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा iPhone 6 पे सेट होके रखा है। अगर मैं यहाँ पे iPhone 6 पे देखूँ, यहाँ पे देखो कितना अजीब लग रहा है ये, मतलब ऐसा कौन नेवबार बनाता है, मतलब बहुत लोग आपको चिढ़ाएंगे और ये सब करेंगे, मतलब अजीब लगेगा ये नेवबार। इसीलिए कोलैप्सिबल नेवबार हम लोग बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो कोलैप्सिबल नेवबार क्या करेंगे, कोलैप्सिबल नेवबार बनाने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना पहले से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक डिव बना लेंगे, डिव को हम लोग एक क्लास दे देंगे जो होगा नेवबार, जो पहले वाला क्लास था वही देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे डैश एक्सपांड डैश SM, और फिर ओके SM नहीं अभी MD कर देते हम लोग। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे BG का डार्क, और फिर यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए टैग, और मैं क्या कर देता हूँ उसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट डार्क करने के लिए आपको बस यहाँ पे लिखना होगा नेवर डैश डार्क, तो वो अलग भी आ जाएगा। और यहाँ पे ए टैग में क्या होगा, ए टैग में हमारा जो नेवर का ब्रांड है मतलब वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हैशटैग डालता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं क्लास दे दूंगा, तो क्लास इसको मैं दूंगा नेवर डैश ब्रांड, ठीक है। नेवर डैश ब्रांड कर दूंगा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे जैसे कि लोगो कर देते हैं, नहीं तो आप
नावर भी लिख सकते हो, जो लिखना है आपको आप कर सकते हो। फिर अभी हम लोग एक बटन बनाएंगे, तो बटन क्यों बनाएंगे अभी आप खुद सोचो कि बटन क्यों चाहिए अपने नावर में। तो बटन चाहिए कि हम लोग को अभी जैसे कि कोलैप्सिबल बनाना है, तो एक बटन होता है, तो वो बटन एक थ्री फिगर का होता है, मतलब 3 लाइन का होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को वो बटन चाहिए। तो यहाँ पे अभी बटन है, और बटन के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्लास। क्लास करने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे नैव बार डैश टॉगलर, और यहाँ पे हम लोग बस इसका टाइप कर देंगे बटन, और फिर यहाँ पे डेटा टॉगल। ये सब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब हम लोग को उस पर क्लिक करना है, इसीलिए वो सब करना पड़ रहा है, वरना वरना हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को अच्छा बनाना है, तो अच्छा बनाना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी कर देते हैं इसको टारगेट। हाँ, तो टारगेट होने के बाद इसका टारगेट भी लिखना होगा हमें, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक अभी के लिए यहाँ पे बस लिख देते हैं कोलैप्स और नावर। तो ये हम लोग मतलब एक आईडी बनाएंगे और किसी को दे देंगे ये आईडी, तो उससे ये वर्क करना चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे अभी बटन का जो हम लोग का स्पैन है, मतलब स्पैन डालता हूँ मैं, जो हमारा बटन का जो मतलब थ्री वाला फिगर होगा, लाइन हो गया, उसके लिए हम लोग स्पैन डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पैन डालने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे नव बार डैश टॉगलर, और नैव बार डैश टॉगलर, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसका टाइप। ओके, टाइप नहीं करना हम लोग को, यहाँ पे बस नैव बार टॉगलर। ओके, और यहाँ पे हम लोग को डालना आइकन, तो जो बूटस्ट्रैप में वो लोग ने बना के रखा है नैव बार डॉट मतलब आइकन, तो हम लोग को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग एक डिप बनाएंगे, और डिप को क्लास दे देंगे कोलैप्स, और कोलैप्स देने के बाद नैव बार डैश कोलैप्स, ठीक है। तो ये सब देना होगा वरना वो वर्क नहीं करेगा। और आईडी अपनी वही देनी होगी जो हम लोग ने यहाँ पे दी है, तो हम लोग ने क्या दिया है, नेवर हैशटैग कोलैप्स। तो अब आईडी के लिए हम लोग हैशटैग यूज़ करते हैं, इसीलिए हैशटैग दिया है मैंने वहाँ पे, और इसको हम लोग कर देते हैं यूएल। फिर यूएल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस हम लोग कर देंगे इसको क्लास। तो क्लास अभी मैं क्या दूंगा, तो क्लास इसकी मैं दे दूंगा नेवर, जो हम लोग ने पहले दी थी नावर डॉट नाव, ठीक है। नावर डॉट नाव कर दिया हमने, फिर इसको ओपन करते हैं हम लोग, फिर एल आई यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे नाव डैश आइटम, ठीक है। नाव नाव डॉट, हाँ नाव नाव आइटम, तो ये नाव का मतलब आइटम है अपना, और नाव के अंदर का आइटम है। और यहाँ पे हम लोग ए टैग डाल देते हैं एक लिंक के लिए, तो क्लास नाव डैश लिंक, और यहाँ पे हम लोग बस कुछ लिख देते हैं, जैसे कि लिंक लिख देते हैं अभी के लिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करते हैं, और इसी को हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो 3 बार पेस्ट करने के बाद हम लोग बस ये यूज़ कर लेंगे, और फिर ठीक है। तो इतना करने के बाद अभी हमारा ये वर्क करना चाहिए, इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है एक अच्छा वाला एक आइकन, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला रिस्पॉन्सिव, मैं हर वक्त यूज़ करता हूँ क्योंकि वो कितना गंदा लगता है, वो जो पहले वाला था वो गंदा लगता है, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। और मैंने थोड़ा फास्ट किया अभी, तो आप पॉज पॉज करके ये वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ड्रॉप डाउन डालेंगे नावर में, हाँ हम लोग एक ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हैं नावर में, तो देखता हूँ मेरे पास, मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया था, तो मैं वो ड्रॉप डाउन का कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो हम लोग एक बना ही देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिंक है उसके नीचे में क्या मतलब ए है, उसके नीचे मैं एक डिव ओपन कर देता हूँ, और डिव पे क्लास दे देता हूँ, और डिव को क्लास क्या देता हूँ, ड्रॉप डाउन, मतलब हम लोग एक अपना एक ड्रॉप डाउन बना देते हैं। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, मेन्यू मेन्यू डाल दिया, फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक
सॉरी ए टैग डालेंगे, और ए टैग में HRF मतलब हैशटैग, और यहाँ पे हम लोग क्लास दे देंगे इसका ड्रॉप डाउन डैश आइटम आइटम, और बस इतना ही। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिंक वन लिख देते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और वापस पेस्ट करते हैं यहाँ पे। बस अभी हम लोग क्या करेंगे, लिंक वन को टू कर देते हैं और इसको थ्री, और फिर हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ हाँ, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है ये वाला, तो इसकी जगह मैं इसको है ना बस ये वाले ए को निकाल देता हूँ। हाँ, और ये वाले इसको ए को निकालने के बाद यहाँ पे एक ए डाल देते हैं, काम में आएगा, क्योंकि वो ए डालने के बाद इसको हैशटैग देते हैं और क्लास देते हैं जो होगा नैव बार डैश ड्रॉप डाउन। नैव लिंक देना है, नैव बार नहीं, नैव लिंक डैश ड्रॉप, डैश नहीं देना, नैव बार डैश टॉगल, ठीक है, ड्रॉप डाउन। इसको हम लोग बस ड्रॉप डाउन कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये इतना कर दिया हम लोग ने, और फिर यहाँ पे हम लोग को वो सब लिखना होगा, मतलब आईडी देनी होगी, नैव ड्रॉप कर देता हूँ इसकी आईडी में, फिर इसको डेटा टॉगल, डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन, हाँ ठीक है, डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन दे दिया हमने। और ये ए के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे कि दे देते हैं ड्रॉप डाउन लिंक, ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिंक मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया है, और अभी ये वर्क करना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक गलती सामने ही मेरे को दिख गई, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, जो है मैंने बहुत सारे डिव्स बना दिए, तो इतने सारे डिव्स हम लोग को बनाने नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ही डिव्स बना दिए। हाँ, तो ऐसे करना है, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू को इसको कॉपी करके इसको बस पेस्ट करना है और इसको बस चेंज करना है, मैंने बहुत सारे डिव्स बना दी थी, ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करते हैं और ये वर्क करेगा तो देखते हैं। और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा ये वर्क कर रहा है, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक मतलब ड्रॉप डाउन लिंक बना सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना यहाँ पे एक फॉर्म डालेंगे, फॉर्म मतलब कि अपना जो सर्च का आता है, आपने यूट्यूब और उसमें देखा होगा, मैं आपको यूट्यूब का एक मतलब करता हूँ ऑन, और यहाँ पे देखो आपको ये सर्च और सर्च का बटन दिख रहा है, वो सब आपको पता मतलब दिख रहा होगा, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग ये पूरा नैव निकाल देंगे। मैंने नैव टैग यूज़ ही नहीं किया, हम लोग को एक्चुअली नैव टैग यूज़ करना है, और ये डिफ की जगह मैं क्या करूँगा, नैव कर दूंगा, डिफ के साथ भी काम वर्क मतलब कर जाता है, लेकिन नैव होता है मतलब नैव एक सिमेंटिक्स का टैग है, तो इसीलिए वो काम मतलब यूज होता है, तो सेम ही रहेगा, लेकिन नैव यूज करो, क्योंकि आप जो रीड करता है उसको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ ये नैव बार है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा इतना निकाल देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फॉर्म ओपन कर लेंगे, फॉर्म में एक्शन अभी हम लोग कुछ नहीं डालते, एक्शन अभी हैशटैग डाल देता हूँ मैं, और हैशटैग डालने के बाद इसको क्लास दे देते हम लोग जो होगा फॉर्म डैश इनलाइन, तो वो इनलाइन रहेगा मतलब किधर जाएगा नहीं, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक इनपुट, इनपुट को भी टाइप टेक्स्ट करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, और एक क्लास इसके अब भी मैं दे देता हूँ फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म डैश कंट्रोल देने के बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एम आर
डैश SM डैश 2, ठीक है। ऐसे डालने के बाद इसको हम लोग कर देते हैं टाइप टेक्स्ट कर दिया, और प्लेस होल्डर डालना तो डाल सकते हो आप, तो मैं प्लेस होल्डर अभी सर्च कर देता हूँ। हाँ, सर्च करने के बाद इसका हम लोग बटन डाल देंगे, और बटन हम लोग जैसे कि वो सर्च वाला बटन बनाएंगे, तो वो बनाना इजी है हमारे लिए, मतलब बूटस्ट्रैप है तो बहुत इजी है। तो btn डैश सक्सेस और बस, और यहाँ पे इसका टाइप है सबमिट वाला बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्च, ठीक है। सेव करते हम लोग, और ये हमारा आ गया है अपना सर्च वाला बटन, जो मतलब लिखेंगे वो सर्च करता है। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन सर्च हम लोग कर सकते हैं हम लोग, और वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब हम लोग कर सकते हैं, और अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नेवबार्स में आपने देखा होगा यूजर नेम वाला कैसे करते हैं, तो सेम है। बस हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके बस अपना कर देंगे, एक डिव बनाएंगे, और डिव में हम लोग क्लास दे देंगे इनपुट डैश ग्रुप, डैश ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिव, इसका क्लास है इनपुट ग्रुप, इसको ही कॉपी करते हैं हम लोग इनपुट ग्रुप, और इसको कर देते हैं हम लोग प्रेपेंड डैश प्रेप एंड। हाँ, तो ये करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे, एक स्पैन बना देंगे, और स्पैन में यहाँ पे जैसे कि मैं बस एक एट द रेट डालूंगा, यूजर नेम में एट द रेट आता है इसीलिए वो एट द रेट हम लोग डालेंगे, और क्लास इसका मैं कर देता हूँ, क्लास इसका हम लोग कर देंगे इनपुट ग्रुप डॉट मतलब डैश टेक्स्ट, कॉपी रखते हैं डैश टेक्स्ट, हाँ ठीक है। हाँ, तो इतना इसको सेव करते हम लोग, और वो हम लोग को ये भी बनाना है जो हमारा होगा इनपुट वाला बटन यूजर नेम वाला, तो उसको बस हम लोग कर देंगे टाइप टेक्स्ट का मतलब क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर उसका कर देंगे, ओके सॉरी, प्लेस होल्डर उसका कर देंगे, जैसे कि मैं यूजर नेम कर देता हूँ, आप जिस कोई भी यूजर नेम, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं हम लोग, रीलोड कर देते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा आ गया है, और ये एट द रेट के साथ आ गया। मैंने यूजर नेम की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, लेकिन चलेगा वो, ठीक है। अभी नेवबार, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स्ड नेवबार बनाएंगे। अब फिक्स्ड नेवबार होता क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो रिस्पॉन्सिव वाले नेवबार पे आ जाता हूँ मैं अपने कंट्रोल जेड करके, सेव करते हैं इसको, देखते हैं आया क्या। ये रिस्पॉन्सिव वाला नहीं है, लेकिन ड्रॉप डाउन वाला है, इसको सेव करते हैं, अभी देखते हैं आया क्या वो रिस्पॉन्सिव। हाँ ठीक है, ये ड्रॉप डाउन वाला चलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि फिक्स नेवबार होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी एक नेव डालने की, तो नेव डालते हैं हम लोग, हाँ इसको सेव करते हैं, और हाँ तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मतलब टेक्स्ट डाल देंगे, मैं थोड़ा मतलब अलग अलग टेक्स्ट डालूंगा, जैसे कि H1 में डालते हैं, और मतलब लॉरेम डाल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पैम कर देते हैं, तो कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ, वो सेव करते हैं, अभी देखते हैं अभी तो। हाँ ठीक है, तो ये स्क्रॉल वाला मेरे पास आ गया, जैसे कि आपने अपने वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट डाल के रखा है, और यहाँ पे अभी आप स्क्रॉल करते हो तो आपका नेवर चले जाता है, ऐसे ही चले जाता है, तो चले नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए आप फिक्स नेवर बनाते हो। फिक्स नेवर बनाना बहुत इजी है, मतलब यहाँ पे बस करना है फिक्स डैश टॉप, सेव करना है इसको, रीलोड करना है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया है अपना एक फिक्स नेवर,
यहाँ पे देखो आप यूज कर सकते हो इसको, ये जहाँ पे जितना नीचे जाता है ये ऊपर लटका हुआ ही रहता है, और मतलब लटका हुआ नहीं लेकिन रहता है उधर ऊपर। और अभी बॉटम पे चाहिए, टॉप की जगह आप कर दो बॉटम, इसको सेव करते हैं हम लोग, रीलोड करते हैं। जहाँ पे देखो ये बॉटम पे हम लोग का आ गया है, ऐसे आप कर सकते हो। फिर आप अभी जैसे कि स्टिकी नेपबार्स भी बना सकते हो। स्टिकी नेपबार क्या है, पहले तो मैं फिक्स बॉटम निकालता हूँ, और स्टिकी क्या कर देंगे हम लोग, पहले तो मैं यहाँ पे एक डिप बनाएंगे और उसके अंदर भी मैं थोड़ा टेक्स्ट लिख देता हूँ, मतलब डॉल और एम डाल देता हूँ। ओके डॉल दो लोरम डालते हैं हम लोग, और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये ऐसा दो लोरम है, और यहाँ पे हमारा ये आ जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट डाला है और आप ऐसे करना चाहते हो, और आपका ये जो हमारा नेवबार है वो आपके साथ अभी फिर स्टिक रहे, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ने खुद बनाया ये स्टिकी डैश टॉप। सेव करते हम लोग, रीलोड करते थे। यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे करोगे ये आपके साथ स्टिक हो गया, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो वो आ जाता है। ये आप शायद इमेज में भी डाल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं नाप बार, और मैं अगली वीडियो में नैप्स करूँगा। तो आज हम लोग ने किया नाप बार, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।